On the number of international students. तो क्या कनाडा स्टूडेंट वीजा के रिफ्यूजल्स में इंक्रीमेंट होगी 1.2 मिलियन इमिग्रेंट लास्ट साल 2022 में कनाडा आए हैं आप इस सिचुएशन के अंदर खुद को कैसे बचा सकते हो अब उसके ऊपर बात करते हैं So, एक न्यूज हर जगह वायरल हो रही है कि शायद कनाडा गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाने वाली है जिसका मतलब यह है कि अब आने वाले टाइम में शायद वो लिमिटेड अमाउंट में ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अप्रूव करेंगे कनाडा पढ़ने आने के लिए अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा जिससे कि सबको डर भी लग रहा है कि शायद कैनेडा के जो स्टडी वीजा के रिफ्यूजल्स हैं वो आने वाले टाइम में और बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं सो so, क्या मेजर प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम कैनेडा के अंदर और क्या है पूरी न्यूज चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज आज से सात आठ

पोर्शन ले रहे हो थ्री बेडरूम वाला तो लगभग तीन हजार बत्तीसौ डॉलर पर मंथ से तो स्टार्टिंग है सो हाउसिंग क्राइसिस जो है ना बहुत अनदर लेवल चल रहा है और कैनेडा के अंदर अभी लिबरल गवर्नमेंट है जो की जस्टिन ट्रूडो की सरकार है तो अपोजिट पार्टी जो है ना कंजर्वेटिव वो उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कि आपने ये सारी चीजें अपने हाथ से निकलने दी तो अपोजिशन वाली Party New movement online of immigrants who are saying they're going back because they can't afford to live here in Canada. After eight years of Trudeau, many immigrants feel like they're better off where they came from because the costs and the crime that Trudeau's policies have unleashed make this country unlivable for newcomers and for those who've been here. A long time. एक बंदा जो 25 डॉलर की नौकरी कर रहा था वो चार से पांच लाख का घर जो है अफोर्ड कर सकता था तो डाउन पेमेंट वगैरह करके वो बंदा 25 साल में घर की किस्तें पूरी करके घर को ऑन कर सकता था बट अगर अपने आज की रियलिटी की बात करें तो अपोजिशन के से ये चीज बता रहे हैं कि आज के टाइम में पच्चीस साल तो लोगों को डाउन पेमेंट जोड़ने के लिए चाहिए और लोगों की जो घर की किस्तें हैं वो पैंतीस पैंतीस पचास पचास साल से भी ऊपर जा रही है और उसका रीजन क्या था इंटरेस्ट रेट पहले जो था एक से भी कम और इस टाइम इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रखे और यहाँ पे

That is the idea of putting a cap on the number of international students. What kind of timelines are we talking about here in terms of making that decision? Uh, well, look, I, I should be clear that uh, the decision on managing the international student program will rest with my uh, colleague, Minister Miller. But I think it's important that we're able to speak openly about uh, the different challenges that communities are facing. Uh, but what we've seen recently is there's been such rapid growth, given that the program is typically uncapped, that certain communities are having uh, difficulties managing with the population growth that it's attracted. Uh, it's not fair for the students who come to be exploited and left without adequate housing. There are some institutions, some private colleges that are not necessarily good actors, but I'm convinced have become, uh, come to exist uh, for the purpose of exploiting financially those international students who come to Canada. So as like you saw, he's still saying that we've always been in the favour of international students. When we needed it, they helped us in our labour shortage. Plus, help helped them too, because they gave us permission to do more work. And some people are also saying that when you don't bring so many people, आ जाओगे एक साल के अंदर और उसके बाद उन्हें पूरा काम करने की भी इजाजत दे दोगे तो जो जो हैं वो वो नहीं बचती बहुत जगह हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज देखने को को मिलती है कि जो है, वो बोलते है कि कनेडियंस बोलते हमारे बच्चों को आज के टाइम में समर जॉब मिल ही नहीं पाती जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी एज ए पार्ट टाइम जॉब चाहिए होती है तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद अब लिबरल्स की जगह कंजर्वेटिव पार्टी आएगी और हो सकता है वो बहुत सारे सुधार भी करे बट अपने वापिस आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि अगर कनेडा की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैपिंग लगाती है तो क्या कैनेडा स्टूडेंट वीजा के रिफ्यूजल्स में इंक्रीमेंट होगी तो गाइज अभी तक सारे यही प्रोडिक्ट कर रहे हैं ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है अगर इन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया तो अभी जो रिफ्यूजल रेट चल रही है है उससे भी हमें कई ज्यादा देखने को मिल सकती है। बट आप इस सिचुएशन के अंदर खुद को कैसे बचा सकते हो अब उसके ऊपर बात करते हैं तो गैस अगर आपका प्लान है कैनेडा आने का और आप आना ही चाहते हो आपके सारे जो फ्यूचर गोल्स जो है वो इस कंट्री में अलाइन हो रहे हैं तो देन गाइज आपको मैं दो चीजें सजेस्ट करूंगा सबसे पहली चीज अवॉइड मेट्रो सिटीज जो बड़ी सिटीज है इनकी वहां पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रखा है हाउसिंग क्राइसिस वहां पे और ज्यादा है तो ये चीज आगे देखने को मिल सकती है कि जितने भी अटलांटिक प्रोविंस है वहां पे ये स्टूडेंट्स को प्रेफर करें और हो सकता है वहां हमें रिफ्यूजल रेट भी भी कम देखने को मिले प्लस आप आप अपना कोर्स कोर्स जो जो है ना वो वो ढंग से देख के के चूज करो सबसे पहली चीज कर रहे हो वो आपके फ्यूचर साथ अलाइन करना चाहिए आपकी प्रीवियस स्टडी से अलाइन करना चाहिए प्लस बात यहीं पे खत्म नहीं होगी अब ये चीज भी आपको देखनी है साथ में रिसर्च वर्क करते रहना है अप टू डेट रहना है कि कनाडा के अंदर इस टाइम कौन सी जॉब ऑक्यूपेशन के अंदर शॉर्टेज चल रही है अगर आप ये सारी चीजें प्लान करके अपना अच्छा सा कोर्स देख के जिसकी शॉर्टेज भी है इनको बंदे चाहिए या लेबर चाहिए उस तरीके से अपनी फाइल लगाओगे सॉलिड फाइल लगाओगे देन आपका स्टडी वीजा कोई नहीं रोकने वाला बट शायद हमें आने वाले टाइम में अब ये चीज देखने को मिलेगी जो की यहाँ के फॉरमर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी बोला था कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेके जो एक्सप्लोयटेशन चल रहा है वो शायद अब बंद हो जाएगा हमें सिर्फ ये स्टेट्स दिखाए जाते हैं कि इतने परसेंट रिफ्यूजल्स आए हैं पर उसके अंदर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि मेजोरिटी ऑफ जो रिफ्यूजल्स होते हैं

ये शायद इन सब चीजों के ऊपर और ढंग से काम करेंगे और जैसे ही कोई आगे अपडेट आएगा इन सब चीजों से लेके मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा सो ये था आज की वीडियो के अंदर होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी कोई भी कैनेडा से रिलेटेड वीडियो आप मिस ना कर दो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर